हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी अगर दूध फट जाए तो इसे फेंके नहीं। फटे हुए दूध से आप घर पर खाना बना सकती हैं। आज हम जानेंगे फटे हुए दूध से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ है, इसे आप खोआ बना सकती हैं। खोआ बनाने के लिए फटे हुए दूध को एक बर्तन में तब तक गर्म करें जब तक कि उसका पानी पूरी तरह सूख ना जाए। जब पानी सूख जाए तो इसमें चीनी मिला दें और थोड़ी देर और पकाएं। आपका खोया तैयार है। अब इसमें ड्राई फ्रूट मिलाकर बर्फी के आकार की काट दें और फ्रीज में अराउंड आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद आपका बर्फी तैयार हो जाएगा। सेकेंड यूज़ है, चावल पकाने में इसका यूज़ करें। घर में अगर दूध फट जाए तो आप इसका इस्तेमाल लंच या डिनर में चावल पकाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जब फट जाए तो इसे कपड़े से छानकर इसका पानी को अलग कर लें और इस पानी से आप चावल अगर बनाएंगे तो इससे चावल ज़्यादा चमकदार और टेस्टी बनेंगे, क्योंकि इसमें आप काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा आप फटे हुए दूध का पानी से नूडल्स, पास्ता ये भी उबालने में इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट यूज़ है, आटा गूंथने में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध फट जाने पर फटे हुए दूध के पानी से अगर आप आटा गूंथती हैं तो आटा मुलायम गूंधेगा और रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। यही नहीं, आप फटे हुए दूध के पानी का इस्तेमाल सब्जी या दाल बनाने में भी कर सकती हैं। इस पानी की मदद से सब्जी की ग्रेवी अच्छी बनती है और सब्जी का टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यूज़ है, जूस में भी आप फटे हुए दूध के पानी का यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि फटे हुए दूध के पानी में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जो मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसके अलावा आप फटे हुए दूध से दही और छाछ भी बना सकती हैं। फटे हुए दूध से अगर दूध फट जाता है तो आप एक चम्मच लेकर उसके दही के बनाने में इसका यूज़ कर सकती हैं। एक चम्मच दही डाल दीजिए और इस दूध में, तो अगले दिन आपका दही जमकर तैयार हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल छाछ बनाकर भी कर सकती हैं। और यही नहीं, आप इस फटे हुए दूध का इस्तेमाल केक बनाने के लिए भी कर सकती हैं। फटा हुआ दूध बेकिंग सोडा की तरह काम करता है। इससे आपके केक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बल्कि और अधिक हेल्दी हो जाएंगे। फटे हुए दूध का इस्तेमाल आप अपने स्किन और बाल को धोने के लिए भी कर सकती हैं। इस पानी का इस्तेमाल करने से बाल मजबूत और स्किन में निखार भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक और टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।